हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 9 के लिए आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया, देखिए द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर्स विद इक्वल रेडियस इज 2:5। द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, यहाँ स्टेटमेंट जो दी गई है यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर्स विद इक्वल रेडियस इज 2:5। यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सिलेंडर है, यहां देखिए एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये ले लिया, ये ठीक। सिलेंडर तो पता ही होगा आपको, है ना, सिलेंडर जो है वो क्या है, एक सॉलिड है। इसका पूरा फॉर्मूला पूरा हमने वेरिफिकेशन कराया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, है ना। तो चलिए अब यहां पे देखिए दिया गया है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू सिलेंडर्स विद इक्वल रेडियस। यहाँ पर जो सिलेंडर है इनका रेडियस क्या है, इक्वल है। अगर मान लीजिए पहले सिलेंडर का रेडियस r लेते हैं स्मॉल r, तो दूसरे सिलेंडर का रेडियस भी स्मॉल r होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इक्वल रेडियस। चलिए अब आगे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए हाइट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टू सिलेंडर्स विद इक्वल रेडियस 2:5। यानी इसकी जो वर्टिकल हाइट है इसको हम h1 ले ले रहे हैं, इसको ले ले रहे हैं h2। तो ये आपको दिया गया है h1 रेशियो h2, ये दिया गया आपको h1 रेशियो h2 कितना दिया गया है 2:5, है ना। h1 का देखिए पार्ट कितना है 2, h2 का कितना है 5, ठीक। और रेडियस तो दोनों का क्या है सेम, अगर इसका r है रेडियस तो इसका भी r है, ठीक। अब आगे आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, कर्व्ड सरफेस एरिया सी ऐसे आपको बताया है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी मान लीजिए देखिए सिलेंडर, ये भी सिलेंडर के फॉर्म में, ये भी सिलेंडर के फॉर्म में है ना, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। यानी इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जैसे ये सिलेंडर है तो इसका ये कर्व्ड यानी कि एरिया अराउंड जो होता है कर्व्ड, यानी इसका जो ये सिलेंडर है इसके पार्ट ये जो घुमा हुआ एरिया ये वाला एरिया चाहिए, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताया गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh, ठीक है। तो चलिए यहां पे हमें क्या पूछ रहा है, रेशियो, द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, तो जो दोनों सिलेंडर्स हैं इनके कर्व्ड, दोनों सिलेंडर्स के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिया गया है, ठीक है, ये डायग्राम में आपको समझा दिया गया है। अब चलिए हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे रेडियस तो क्या है, दोनों सिलेंडर्स के रेडियस क्या है सेम है, तो हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ कॉमन बेस लिख ले रहे हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉमन बेस ये लिख ले इक्वल रेडियस, रेडियस ऑफ ऐसे लिख ले रहे, देखिए सबसे अच्छा, क्योंकि रेडियस दोनों का इक्वल है ना, यहाँ पे कह रहा है इक्वल रेडियस, यानी अगर इसका रेडियस r है स्मॉल r है तो इसका भी रेडियस स्मॉल r होगा, तो हम लिख ले रहे हैं रेडियस ऑफ बोथ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बोथ सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल r, ठीक, इसका भी स्मॉल r उसका भी स्मॉल r, इक्वल कह रहा है ना, तो दोनों का सेम होगा। उसके बाद हाइट भी दी गई है, तो हाइट दी गई है फर्स्ट वाले की, यहाँ पे h1 h2 हमने लिया है, तो यहाँ पे रेशियो लिख ले रहे हैं, रेशियो ऑफ हाइट जैसे ही लिख लेंगे तब भी आप जान जाएंगे h1:h2, तो h1:h2 कितना है 2:5, कितना है 2:5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सिलेंडर्स के कर्व्ड सरफेस एरियाज का रेशियो चाहिए, तो लिख देंगे यहां से, देखिए रेशियो ऑफ, यहां देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज यहाँ देखिए रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको पता है अगर यहाँ पे यहाँ देखिए इस सिलेंडर का पहले वाले सिलेंडर का रेडियस r है और हाइट जो है वो कितनी h1 है, और फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर 2πRh होता है, यहाँ पे हो जाएगा 2πRh1, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πRh2, है ना, क्योंकि रेडियस क्या है सेम है, तो 2πR इसमें भी रहेगा 2πR इसमें रहेगा, लेकिन हाइट अलग अलग है, यहाँ पे h1 यहाँ पे h2, यहाँ पे रेशियो लेना, रेशियो ले लेंगे तो हो जाएगा 2πRh1/2πRh2, है ना। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, आया कितना आ गया h1/h2, h1/h2 यानी h1 की वैल्यू कितनी, सबको पता है h1/h2 कितना, h1:h2, तो h1/h2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/5, और 2/5 को हम रेशियो क्या ले सकते हैं 2:5, यानी कि दोनों सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो कितना आएगा 2:5, ठीक है ना, कर लीजिए इसको।